इनर ट्रैवलर की एक और नए ट्रैवल सीरीज में आपका स्वागत है। और ये जो जगह हम जा रहे हैं इसका नाम है चटाई वाटरफॉल है, वही जब वहाँ पर चलेंगे वहाँ आपको दिखाएंगे और काफी करीब से मैं दिखाऊंगा, तो आइए चलते हैं और उसको एक्सप्लोर। तो एक नहर दिख रही है और ये आगे जाके उस नदी में मिलती है, उस वाटरफॉल में मिलती है। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, पानी यहाँ का जो है एकदम नेचुरल है, ग्रीन दिख रहा है, नहीं तो पानी ब्राउन कलर में है आजकल। यही दिखाना था कि हम लोग चटाई वाटरफॉल आए हुए थे। ये आप देख रहे हैं वाटरफॉल दिख रहा है, धुआं उठ रहा है, लेकिन ये मेन रोड पे जो नदी उफान पर है इस वजह से हम लोग इधर से नहीं जा रहे हैं और यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। अब हम लोग डाइवर्जन रोड से इधर से जाएंगे, दूसरी रोड से, और चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए नदी कितनी उफान पर है। ये आप सामने देख रहे हैं ये चटाई वाटरफॉल, और ये नदी जो आप देख रहे हैं ये वही नदी है जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी, जिसमें उफनती हुई नदी थी जो। और ये बगल में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा नज़ारा, और ये काफ़ी पास से नज़ारा आप देखिए। ये एक डैम है और ये डैम के फाटक वगैरह बने हुए हैं, ये डैम का पूरा ब्रिज बना हुआ है, और आगे जाके ये डैम जो है वही पानी गिरता है फॉल में, चटाई फॉल में यही पानी गिरता है आगे जाके। और ये रोड है, इससे हम बस आधा किलोमीटर आगे ही चटाई फॉल है, बस अब हम आपको चल। ये देखिए आप, ये बिहार बराज है, ये बिहार नदी पर एक बांध की तरह बना हुआ है बिहार बराज, यहाँ पर बिजली बनती है एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। और ये देखिए इसका एरियल व्यू, ये नदी रीवा से आ रही है बिहार नदी, और चटाई वाटरफॉल पर आकर ये गिरती है और उससे यहाँ चटाई का वाटरफॉल निर्मित होता है, और साथ ही साथ यहाँ डैम है। और ये देखिए आप फाटक वगैरह और मशीनरी वगैरह जो बिजली बनने में उपयोग आता है, ये आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए आप डैम है, टरबाइन चलती है और यहाँ पर बिजली बनती है इसके द्वारा। ये पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है और यही एरिया आगे जाके गिरता है पानी चटाई वाटरफॉल में, जो धुएं की आकृति देता है। चुके हैं, ये वादियां दिख रही हैं पास में, और वाटरफॉल आगे है हो रहा। तो यहाँ से एक एरियल व्यू मिल रहा है वाटरफॉल का, काफी ऊंचाई से पानी गिरता है, और अब हम नीचे जहाँ पे वो लोग खड़े वहां जाकर के दिखाते हैं। तो यही है, ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे ठहरने के लिए, ये 1953 में बना है, काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस है, अपोजिट में ही है वाटरफॉल के। अब हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 130 मीटर, और डिटेल में हम अपने दोस्त से जानेंगे। मतलब तो आप और दिखा दूँ, इधर आपको दिख रहा है ये वादियाँ दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं और ये काफ़ी दूर तक जाती है। अगर आप देखें तो इधर पानी, ये बुखार और ये बादल वगैरह बनते हैं इधर से, यही सब है, बाकी बहुत अच्छा नज़ारा मिलता है। अगर आप गर्मियों के टाइम में आएंगे तो आप नीचे जा भी सकते हैं, और जो आपको ये छोटा सा कुंड दिख रहा है, ऐसा कहते हैं कि इसकी कोई था है नहीं है, ये इसमें अनलिमिटेड वाटर, बहुत ज़्यादा गहरा है ये, इसे आज तक कोई नाप नहीं पाया है, बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर ही नीचा गहरा है। तो यही सब है, ये आज हम पहुँच चुके हैं चटाई वाटरफॉल, और ये आप देख रहे हैं ये चटाई वाटरफॉल है, जिसकी ऊँचाई 130 मीटर 430 फीट है, और ये बिहार नदी पर बना हुआ है, जो कि बिहार नदी यहाँ से बहती है रिवर से, और बिहार टोज नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम आम भाषा में टमस कहते हैं, और ये रिवर से 46 किलोमीटर दूर है, 46 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इसके पहले एक वीडियो बनाई थी हम लोगों ने पूर्वा वाटरफॉल की, जो कि इस तरफ में 5 किलोमीटर दूर है चटाई वाटरफॉल से। ये आप देख रहे हैं ये पानी जो एकदम धुएँ की तरह उड़ रहा है, बिल्कुल इधर गिर रहा है अपने ऊपर, ये बारिश जो ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो कुंड नीचे बना हुआ है इसकी जो गहराई है अथाह गहराई है इसकी, और ये बारिश जो पानी गिर रहा है ऊपर धुएँ की तरह, इस साइड भी देख सकते हैं आप धुआं, और इधर भी काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये चटाई वाटरफॉल एमपी टूरिज्म की एक लोकेशन है, आप इसको एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये एक प्रोमिनेंट लोकेशन है मध्य प्रदेश भवन में। बाकी चटाई वाटरफॉल हम आपको इधर से दिखाते हैं, इधर से भी एक लोकेशन बन रहा है, ये देखिए पर्यटक वगैरह आए हुए हैं, तो आइए हम चल के दिखाते हैं।
ये देखिए ये ऑल्टरनेट ना हो, एक व्यू अपन ने उधर देखा, एक व्यू ये है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है आपको दिख रही है ये कैमूर हिल्स रेंज की चित्रकूट रेंज है। कैमूर रेंज जो कि काफ़ी बड़ा हिल्स रेंज है मध्य प्रदेश में, उसकी एक चित्रकूट रेंज है और बिहार नदी से पानी आता हुआ और यहाँ चिटाई कौर बनाता हुआ है। तो आगे चल के दिखाते हैं और नज़ारे देख रहा है, एकदम इतना मनमोहक और प्राकृतिक नज़ारा है, एकदम बारिश बिल्कुल धुएं की तरह पानी गिर रहा है ऊपर, देखिए आप, और आप सबके ऊपर गिर रहा है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर धुएं की तरह पानी उड़ रहा है, वीडियो में देख सकते हैं, और यहाँ से आपको चंद्रपाद भी एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा और नीचे का कुंड तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि काफ़ी पानी उड़ रहा है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। रास्ता ऊपर वो देखिए रेस्ट हाउस है, वहाँ से अपन लोग नीचे आए हैं और यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं इस मौसम में, बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत अच्छा मौसम है और इस मौसम में काफ़ी मनमोहक दृश्य रहता है। आप देखिए आसपास हरियाली और वो देखिए दूर दूर तक फैले पर्वत, आप दिन में आ सकते हैं और 3-4 घंटे आराम से बिता सकते हैं, एक तरह से पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ पर आते हैं चचाई वाटरफॉल, तो यहाँ से आप पूर्वा वाटरफॉल जो कि इस दिशा में 5 किलोमीटर है और क्योटी वाटरफॉल जो कि इधर 10 किलोमीटर है, इन दोनों जगह का आनंद उठा सकते हैं, दोनों जगह घूम सकते हैं। एक और ऑल्टरनेट व्यू है इस पहाड़ी का, इधर थोड़ा पास में, हाँ ये देखिए ये कैसी वादियाँ बन रही हैं यहाँ पर, और ये एक घाटी जैसा बन रहा है, वैली बन रही है यहाँ पर, ये सारा पानी जो फॉल में गिर रहा है वो पानी सारा नीचे जाके नदियों के द्वारा आगे जाके बह रहा है और आगे दूसरी नदियों में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, आपको कोई सवाल और सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही ट्रैवल और फूड वीडियोस से जुड़े रहने के लिए इंडियन ट्रैवलर को सब्सक्राइब करके छोटा सा जो बेल आइकन उसको भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और स्टे ट्यून्ड, मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। थैंक यू सो मच।